नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गांव वाला ट्रेडर्स में। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि मैं सेबी एनालिस्ट, रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। यहां पे मैं आप लोगों को जो भी बताता हूं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, ठीक है। यहां पे किसी भी व्यक्ति को अगर कुछ लॉस होता है तो उसके लिए मैं और मेरा चैनल रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, ठीक है ना। और हमारा जो है कोई पेड कोर्स भी नहीं है, साथ में हम किसी भी प्रकार का ट्रेड सिग्नल भी किसी को प्रोवाइड नहीं करते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं हम सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए बनाते हैं, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान में रखें। चलिए मैं आप लोगों को अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटअप बताता हूँ, जिसका नाम मैंने दिया है चौपाल स्ट्रेटजी, ठीक है। तो चौपाल स्ट्रेटजी लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग के लिए है ये सेटअप। तो बैंक निफ्टी का चार्ट हम यहाँ पे आप लोगों को 5 मिनट चार्ट में लगा के दिखाते हैं कि वो स्ट्रेटजी काम कैसे करती है। मैं हर रोज़ आप लोगों को बताता हूँ, देखिए कल मैंने कहाँ कहाँ पे ट्रेड लिए थे, ये हमारी स्ट्रेटजी जो है, हमारी स्ट्रेटजी बहुत बढ़िया काम करती है। इसका नाम है चौपाल स्ट्रेटजी। तो इसके कुछ रूल्स हमने बना रखे हैं, तो आप उन रूल्स को जानने के लिए हमारा पुराना वीडियो जो है चौपाल स्ट्रेटजी के नाम से मिल जाएगा, और वहाँ पे पार्ट नंबर 1, 2, 3 ऐसे करके मैंने डिफाइन किया है। तो आप वो पहले वीडियो देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत तो उसके बारे में यहाँ पे बता दूंगा, लेकिन पूरा रूल्स जो आपको जानना है वो पहले आपको वीडियो नंबर 1, 2, 3 देखना पड़ेगा। यहाँ पे और चीज़ें कुछ ऐड कर रहा हूँ रूल्स में, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि सारी चीज़ें क्लियर रहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए हमारा स्ट्रेटजी क्या कहता है कि ये हमें जब भी, अच्छा एक चीज़ और है कि मार्केट चाहे डाउन साइड जा रहा हो या मार्केट अप साइड जा रहा हो, हमारी ये स्ट्रेटजी दोनों साइड काम करती है, दोनों ही व्यू में। मार्केट चाहे डाउन हो चाहे अप हो, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें मतलब है हमारा सेटअप बनता दिखाई दिया, हमें ट्रेड लेना है, बस हो गया। तो हम क्या करते हैं इस स्ट्रेटजी में, सबसे पहले क्या करते हैं कि हमें मार्केट जहाँ पे ओपन मिलता है, मार्केट जहाँ पे ओपन हुआ उसका लोअर पॉइंट, अगर कॉल साइड का देख रहे हैं तो हम पहले इसका लोअर पॉइंट, पहला पॉइंट मार्क कर लेते हैं। पहला पॉइंट मार्क करने के बाद जब ये सेकेंड पॉइंट पे आता है, मतलब सेकेंड पॉइंट कैसे, मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद जहाँ पे सपोर्ट लेता है वहाँ पे हम इसको मार्क कर लेते हैं। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, दो सपोर्ट हो गए। अब हम क्या करते हैं इसके लिए, ये जो आपको ट्रेंड लाइन दिख रही होगी, ये जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है, ये हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने देखा कि मार्केट यहाँ पे पहला सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे दूसरा सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। और जैसे ही मार्केट तीसरा सपोर्ट यहाँ पे लेगा, जैसे ही यहाँ पे तीसरा सपोर्ट लेगा, यहाँ पे कुछ रूल्स है कि दूसरे नंबर के सपोर्ट पे और तीसरे नंबर के सपोर्ट के बीच में कुछ गैप होना चाहिए। वो गैप होना चाहिए कितना, 30 पॉइंट से कम का नहीं होना चाहिए। अगर ये गैप 50 से 60 पॉइंट का है तो ये सेटअप हमारा बहुत अच्छा काम करता है, और अगर ये 80 से 100 पॉइंट का गैप है तो भी अच्छा काम करता है। अगर ये 120 से 150 पॉइंट का गैप है तो भी और अच्छा काम करता है, और अगर 150 पॉइंट से 250 पॉइंट का मोमेंट है तो फिर हम यहाँ पे ये सेटअप नहीं लगाएंगे। ये ध्यान रखना, इस पे क्रॉस और इससे कम में क्रॉस, बाकी ये सही ये सही ये सही, ठीक है। विशेष ध्यान रखने वाली चीज़ सिर्फ ये है। तो आप लोग बैक टेस्ट कर लेना, देख लेना पहले ये चीज़ें यहाँ पे हो रही कि नहीं हो रही। अब आप देखोगे कि यहाँ पे आप देखो इसका लोअर पॉइंट क्या लगा है, 43,557 का, और इसका लोअर पॉइंट क्या है, 60,610, है ना। 10 पॉइंट वो हो गए, और 57 पे मतलब 50-53 पॉइंट का इन दोनों के बीच में गैप हो गया। सेकेंड नंबर ये तो हो गया हमारा 1 नंबर 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। तो 3 नंबर और 2 नंबर के बीच में का जो गैप है वो हमारा 57 पॉइंट का हो गया। तो ये हमारा जो जहाँ पे सपोर्ट लिया है ये हमारा हो जाएगा क्या, एस एल पॉइंट। इसको हटा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखिए ये हमारा होता है एस एल पॉइंट, ये हो गया एस एल पॉइंट। और जैसे ये जो ग्रीन कैंडल बन रही है, ग्रीन कैंडल बनने के बाद नेक्स्ट कैंडल ग्रीन होनी चाहिए, और ग्रीन होने के साथ साथ
इसके हाई को जैसे ही ब्रेक करेगी वैसे ही हमारा ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, एंट्री पॉइंट। यहाँ पे मैं ई लिख रहा हूँ, मतलब एंट्री पॉइंट, यहाँ पे हमारी एंट्री हो गई और एसएल हमने रख लिया यहाँ पे इसी कैंडल का लोअर पॉइंट। ठीक है, जितनी ज़्यादा छोटी ये वाली कैंडल होगी उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको एसएल पॉइंट सिर्फ कुछ पॉइंट्स का रहता है। अगर हम इस कैंडल का हाई और लो दो देखें तो यहाँ पे आपको ये 608 या 6010, 6010 से लेकर और यहाँ पे 646, मतलब लगभग लगभग आपको 30-35 पॉइंट का यहाँ पे एसएल मिल रहा है। 30-35 पॉइंट का एसएल, मतलब अगर प्रीमियम की बात करें तो वो 20-25 रुपए का आपको यहाँ पे एसएल मिल रहा है। ठीक है, तो इंडेक्स में आप देख रहे हैं तो इंडेक्स में आपको 35 पॉइंट का एसएल मिल रहा है और आपको टारगेट कितना मिल रहा है। अब आप देखो, अगर आपने यहाँ पे ट्रेड मार दिया है तो आपको टारगेट कितना मिला, ये मिल रहा है 647 से लेकर और यहाँ पे 734 तक, 648 से यहाँ से और 736 तक, मतलब लगभग आपको 90 पॉइंट का यहाँ पे मूवमेंट मिल गया। 90 पॉइंट का मूवमेंट जब ये फास्ट मिलेगा ना तो आपका प्रीमियम बहुत तेज़ी से भागता है। ये बहुत तेज़ी से भागा था यहाँ पे प्रीमियम, लगभग लगभग 60 से 70 पॉइंट का यहाँ पे प्रीमियम में मूवमेंट हमको मिला था। ठीक है, तो पहला ट्रेड हमारा यहाँ पे एग्जीक्यूट होता है। ठीक है ना, अब दूसरे ट्रेड के लिए क्या करेंगे, हम दूसरे ट्रेड के लिए इंतज़ार करेंगे। दूसरा ट्रेड हमारा, अब ये जो ट्रेंड लाइन है, एक चीज़ और समझिएगा, ट्रेंड लाइन जो है इसको हम यूं कर लेंगे पहले। अब मार्केट यहाँ से आया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारे थर्ड, ये हमने ये ड्रॉ कर रखा है तो थर्ड पॉइंट पे वापस से आके यहाँ पे इसने क्या किया, सपोर्ट लिया। अब धीरे धीरे ये थोड़ा थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कंसोलिडेशन किया और मार्केट का व्यू अभी तक आप ट्रेंड में ही है और ये हमारी जो ट्रेंड लाइन है तो इसी ट्रेंड लाइन से चिपक के चल रहा है, मतलब इससे इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है और इससे चिपक के चल रहा है। तो इसका जैसे ही यहाँ पे आपको मेन, आज ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पज़ ये है कि आपको कुछ चीज़ें और एक्स्ट्रा उसमें ऐड, पुराने वीडियो में तो मैंने रूल्स लिखा दिए हैं लेकिन इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि जब भी कभी हमारे इस सेटअप में, जब भी कभी आपको छोटी छोटी, हमारे सेटअप बनने के पहले छोटी छोटी कैंडल्स बनने दिखाई देने लग जाएँ, जैसे ये छोटी कैंडल है, ये छोटी कैंडल है, ये छोटी कैंडल, ये दो तीन छोटी कैंडल्स बनती दिखाई दे जाए, पहली चीज़ आप ऐसे समझो कि यहाँ पे नोट कर लो कि हमारे सेटअप बनने के पहले, हमारे सेटअप बनने के पहले अगर आपको एन कंडीशन बनती दिखाई दे, अभी बताऊंगा एन कंडीशन क्या है, दूसरा इनसाइड कैंडल बनती दिखाई दे, इनसाइड कैंडल बनती दिखाई दे और तीसरा अगर इन्वर्टेड हैमर, इन्वर्टेड हैमर अगर बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो ये तीनों जो है ये इस बात के साइन है कि मार्केट में हमने जो सेटअप बना रखा है ये और कंफर्मेशन देते हैं कि हमारा सेटअप 100% काम करने वाला है। यहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं है, हमारा जो सेटअप है यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा ही होगा और हमें तब तक नहीं निकलना है मार्केट से जब तक कि ये हमारा एसएल पॉइंट है इसको क्रॉस नहीं करता है, तब तक हम मार्केट में बने रह सकते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही तीन चीज़ें मैं आप लोगों को इस चार्ट में बताने वाला हूँ। ठीक है, जहाँ पे भी हमारी चौपाल स्ट्रेटजी आप ढूंढ रहे हो, चौपाल स्ट्रेटजी लगा रहे हो, उसके पास में अगर एन कंडीशन बन रही है या इनसाइड कैंडल बन रही है या हैमर कैंडल बन रही है तो वहाँ पे ये सेटअप का कंफर्मेशन और हो जाता है और ये सेटअप हमारा बेहतरीन काम करता दिखाई देता है ऐसे। ठीक है ना, वन वे मार्केट जाता है। आप एक चीज़ समझो, शुरू से क्या समझो आप, यहाँ पे देखो हमारा चौपाल स्ट्रेटजी, पहला सेटअप
सेटअप बना यहाँ पे चौपाल स्ट्रेटजी, यहाँ पे आपको ये इनसाइड कैंडल्स बनी हुई दिखाई दे रही हैं। आपने अगर ये पहली कैंडल मिस कर दिया, दूसरी कैंडल में भी ट्रेड मारा, तो भी आप अच्छे प्रॉफिट में निकलोगे। ठीक है, मैंने चार्ट का थोड़ा सा व्यू छोटा कर रखा है, इसलिए आपको ये छोटी छोटी कैंडल दिखेंगी, लेकिन ये मूवमेंट लगभग लगभग 90 और 100 पॉइंट के हैं। ठीक है ना, अब आप देखो सेकेंड पॉइंट पे मैंने लिखा था आपको यहाँ पे, पहला आपको एंड कंडीशन देखना है, दूसरा आपको इनसाइड कैंडल मैंने बोला था, तीसरा तीसरा मैंने बताया था इन्वर्टेड हैमर, है ना, इन्वर्टेड हैमर। तो देखो हमारा अभी चौथे नंबर पॉइंट पे, मतलब चौथे नंबर का पॉइंट कहाँ से हो गया, तीसरा नंबर, तो ये सपोर्ट लिया था मार्केट ने, सेम जगह पे वापस से आके इस कैंडल में सपोर्ट लिया, और यहाँ पे मार्केट का व्यू कुछ खास समझ में आने लगा था, मार्केट छोटी छोटी कैंडल बना रहा था। ठीक है ना, तो आप चौथे नंबर में क्या कर लो, स्मॉल कैंडल्स, जब भी कभी स्मॉल कैंडल्स बनाएगा मार्केट तो भी मार्केट हमारे फेवर में जाएगा, ये ध्यान रखना। ये हो गया स्मॉल कैंडल्स। तो अब आप देखो यहाँ पे ये छोटी छोटी कैंडल्स बना रहा है, छोटी छोटी कैंडल्स बनाने के साथ साथ अभी हमारा क्या हो गया, फोर्थ नंबर का सपोर्ट ले रहा है यहाँ पे। फोर्थ नंबर के सपोर्ट के साथ साथ आप देखो ये इस तरह का एन एन कंडीशन बन रही है, ये एन बन गया। ठीक है ना, अभी हमने क्या लिखा है यहाँ पे, एन बन, जहाँ पे भी एन बने वहाँ पे आपको ट्रेड ले लेना है, यहाँ पर भी एन बन रहा है। ये देखो एन बनता दिखाई दे, वहाँ पे आपका ट्रेड ये कंफर्म हो जाता है। ठीक है, तो हमने क्या बताया आपको, जहाँ पर भी एन कंडीशन बनती दिखाई दे और हमारी चौपाल स्ट्रेटजी लग रही है, तो चौपाल स्ट्रेटजी में चार चांद लगाने के लिए एन बहुत काम करता है। पहली कंडीशन हो गई, ठीक, आप समझो। दूसरी कंडीशन क्या हमने बताई, बैक टेस्ट कर लेना आप लोग, पीछे भी ऐसी कंडीशन क्रिएटेड मिलेगी। दूसरी कंडीशन बताई हमने कि क्या बनेगा, इनसाइड कैंडल, तो ये आपको इनसाइड कैंडल, इस तरह की इनसाइड कैंडल या कुछ इस तरह की इनसाइड कैंडल आपको बनती हुई दिखाई देंगी। ठीक है, तो इनसाइड कैंडल ऐसे भी हो सकती है, इस तरह की भी इनसाइड कैंडल हो सकती है। तो एक ये कंडीशन हो गई, दूसरा अब आता है इन्वर्टेड हैमर। आप कहीं पर भी ये वाली कैंडल देखना है, इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। देखो आपको जहाँ कहीं पर भी एन कंडीशन के साथ साथ अगर ये वाली कैंडल आपको बनती दिखाई दे रही है, ये वाली कैंडल, ये इन्वर्टेड हैमर जैसी कैंडल है, ये कैंडल अगर ये इस तरह बन गई है और नेक्स्ट जो कैंडल बन रही है, अगर आप कॉल साइड के लिए देख रहे हो, इसका 50% अगर क्रॉस करती है या प्रीवियस हाई लेना चाहो, तो जैसे इसका हाई क्रॉस करेगी वैसे ही आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, और इसी कैंडल का आपका लो पॉइंट एसएल हो जाएगा और ये आपका हमारा एंट्री पॉइंट हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पर भी एंट्री ली तो आपको यहाँ से यहाँ तक का अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। अब पॉइंट देखो कितने पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, यहाँ अगर आपने ट्रेड मारा है तो 708 से लेकर यहाँ पे 800 तक, मतलब आपको 92 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ यहाँ पे। अगर आपने यहीं कहीं मार दिया हो तो आपको लगभग लगभग 110 पॉइंट का यहाँ पे मूवमेंट मिल गया। ठीक, अब आगे चलते हैं, सेम कंडीशन आपको यहाँ पे भी दिखाई देगी, यहाँ पे ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना हुआ है। अब आप देखो यहाँ पे जैसे इसके हाई को ब्रेक करेगा, आपने यहाँ पे अगर ट्रेड मार दिया और इसी कैंडल का लो पॉइंट आपने एसएल मान लिया और इसको यहाँ पे आपकी एंट्री पॉइंट हो गया, तो आप यहाँ पे देखो कितना बड़ा मोमेंट मिला आपको, यहाँ से लेकर 736 से लेकर 902, मतलब लगभग 160 या 170 पॉइंट का मोमेंट मिला आपको। ठीक है, और अगर आपने यहीं कहीं मार दिया हो तो आपको लगभग लगभग 180 190 पॉइंट का मोमेंट यहाँ से मिल जाएगा। तो आपको क्या देखना है कि हमारा जो चौपाल सेटअप है, चौपाल सेटअप बनने के साथ साथ आप क्या करोगे, इसको आप इसको खींच के ऐसे रख दोगे। क्यों रख दोगे भैया, क्योंकि आप पहला ट्रेड यहाँ पे ले चुके हो, दूसरा ट्रेड यहाँ पे ले चुके हो, और आप अगर गौर से देखोगे तो थर्ड पॉइंट पे पहले यहाँ पे इस कैंडल ने सपोर्ट लिया, वापस से हमने जो हमारा सपोर्ट लाइन था, सपोर्ट लाइन पे वापस जाके इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया था। ठीक है,
अब चौथे नंबर पे ये जो सपोर्ट लाइन हमने ड्रॉ करी थी, यहाँ पे सपोर्ट लिया जिसपे हमने ट्रेड लिया था, तो इसी लाइन के आसपास आके वापस इसने पांचवी बार क्या किया, सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के साथ साथ यहाँ पे क्या किया, एन कंडीशन बनाया, ये एन बना दिया। अब एन बना दिया, एन बनाने के साथ साथ हमें ये हैमर कैंडल भी मिल गई, और जैसे इसका हाई ब्रेक होता है वैसे हमारा ट्रेड एक्सिक्यूट हो जाता है। ठीक है, तो हमारा जो चौपाल स्ट्रेटजी है उस पर मैंने ये तीन चार कंडीशन जो आपको लिखवाई है वो मैंने इस पर ऐड की है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रख के अगर आप ट्रेड लोगे तो ये ट्रेड आपको अच्छे खासे ऐसे मूवमेंट देने वाला है, और आप इससे पर डे पैसे कमा सकते हो। और ये वीडियो जो भी बताया मैंने सब लर्निंग पर्पज के लिए है। आप चाहो तो बैक टेस्ट भी कर लेना, कहीं पर भी ये सेटअप फेल नहीं होता दिखाई दे रहा आपको, हर जगह ये आपको पैसे दे रहा है। ठीक है, देखो अगर यहाँ पे उस दिन की बात करें, प्रीवियस डे की, तो यहाँ पर भी आप देखो, ये पहला लो, ये दूसरा लो, और ये तीसरे लो पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है। ये कैंडल जो ग्रीन दिख रही है इसका लो पॉइंट हमारा एसएल पॉइंट हो जाएगा, और जैसे ही इस कैंडल, ये ग्रीन कैंडल का जैसे ही हाई ब्रेक होगा यहाँ पे हमारा एंट्री पॉइंट हो जाएगा। अब आप देखो यहाँ से यहाँ तक का आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। वापस फिर चौथी बार मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, आप चाहो तो कंटिन्यू बने रहो, अगर नहीं हिम्मत पड़ रही है तो चौथे पॉइंट पे वापस से एंट्री ले लो। ठीक है, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। आप जितना बैक टेस्ट करते जाओगे ये हर जगह मिलता जाएगा आपको। यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी कितना बहुत बड़ा जबरदस्त मोमेंट मिला था हमें उस दिन। यहाँ पे देखो, ये हमने पहला पॉइंट नोट किया, ये हमने दूसरा पॉइंट नोट किया, और यहाँ पे हमने तीसरा पॉइंट नोट किया। अब आप बोलोगे कि एक छोटा सा सपोर्ट तो यहाँ पे भी लिया है, लेकिन हम इसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं तीसरा पॉइंट, क्योंकि हमने जो अपना रूल बना रखा है कि दूसरे पॉइंट, मतलब ये तो हमारा एक नंबर का हो गया, ये दो नंबर का हो गया, और ये तीसरे नंबर का हो गया। क्यों? क्योंकि तीसरे नंबर पे ये आ रहा था, लेकिन इन दोनों के बीच का जो गैप है वो 30 पॉइंट से कम का था, इसलिए हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। हम कंसीडर करेंगे इसके ऊपर वाले सपोर्ट को। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में पर्याप्त गैप है, लगभग 35-36 पॉइंट का गैप है। ठीक है, तो हम इसको कंसीडर करेंगे, और जैसे इसके हाई को ये ब्रेक करेगा वैसे हम यहाँ पे ट्रेड मार देंगे। और ये देखो आप कितना लंबा मोमेंट मिला, वन वे गया था मार्केट, इस दिन तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, तो ऐसे ही आप जितना बैक टेस्ट, अच्छा अब देखो यहाँ पे ये पुट साइड के लिए देख लो, सॉरी ये कॉल साइड के लिए, ये यहाँ पे कॉल साइड के लिए पहला दूसरा और तीसरे पे ट्रेड मार दो, ये देखो आपको कितना लंबा प्रॉफिट हुआ। जितना ज़्यादा आप बैक टेस्ट करते जाओगे ना आपको ये सेटअप मिलता जाएगा, बट आपको ट्रेड उस दिन नहीं मिलेगा जिस दिन मार्केट साइडवेज रहेगा। और जो कंडीशन मैंने लिखा रखी है 30 पॉइंट की, दूसरे मतलब सेकेंड नंबर का जो हमारा सपोर्ट है और थर्ड नंबर का जो सपोर्ट है उसके बीच में जो गैप मैंने लिखा है वो इसीलिए लिखा है यहाँ पे कि 30 पॉइंट से कम गैप होगा तो मार्केट साइडवेज रहेगा। ठीक है, उस दिन हमें ये ट्रेड नहीं मिलेगा, और जो जबरदस्ती घुसने की कोशिश करेगा वो लॉस करेगा अपना, क्योंकि मार्केट वहीं वहीं घूम जाएगा, तो टाइम डिके लग के मार्केट वैसे ही वहाँ पे प्रीमियम खा जाएगा। ये पहला और ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक, ये हमने ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी। अब देखो ये पहले नंबर का हो गया, ये दूसरे नंबर का हो गया, तीसरे नंबर पे यहाँ पे ट्रेड मार दिया आपने। अब ट्रेड मार दिया तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे एंट्री पॉइंट हो गया, और इसी का हाई पॉइंट जो रहेगा वो हमारा एसएल पॉइंट हो गया, यहाँ पे एंट्री पॉइंट हो गया। तो कुल मिला के ये जो सेटअप है वो हमारा दोनों साइड काम करता है, पुट साइड के लिए भी और कॉल साइड के लिए भी। तो सीखते रहिए, समझते रहिए और अर्न करते रहिए। हमारा मोटो क्या है, कीप लर्निंग कीप अर्निंग। ठीक है, गांव वाला ट्रेडर सिर्फ गांव वाली चीज़ें बताता है, ना कोई टेक्निकल ना कोई कुछ, ना आपको यहाँ पे ना कोई इंडिकेटर मिलेगा और ना कोई इंडिकेटर मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। खाली मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करता हूँ, वो भी क्यों करता हूँ, क्योंकि एक लेवल पता रहे कि मार्केट किस लेवल से आया है और किस लेवल तक जा सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि ये जो 500 और 1000 वाले जो लेवल होते हैं साइकोलॉजिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो काम करते हैं उसको जरूर विशेष ध्यान रखना है आपको। आप वो फिर इसके बारे में जानने के लिए हमारा वीडियो नंबर Part 3 देखिएगा, उसमें मैंने इसके बारे में थोड़ा सा बता रखा है। ठीक है ना, चौपाल स्ट्रेटजी का Part 3।
तो अभी मैं वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं वीडियो यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है।